वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। कौन सी क्लास में आपकी बेटी? मेरी बेटी मोहम्मद शाम 7th क्लास में, माशाल्लाह वो प्रमोट होके 8th में गई है। अच्छा, तो कैसा रहा इस बार उसका रिजल्ट? बहुत अच्छा था, बहुत एक्सीलेंट। टीचर्स ने इतना कोऑपरेट किया माशाल्लाह। इस जो सिचुएशन थी, हालात थे, इसमें तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस से और टीचर्स की हेल्प लेके 95% रिज़ल्ट दिया है। अच्छा, वेरी गुड। और तो ये जो हमारी एस करियर एजुकेशन सिस्टम की एक वेबसाइट है ALMS, इसके बारे में आप जानती हैं, जिसपे हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और क्विजेज और असाइनमेंट्स मौजूद हैं बच्चों के लिए? जी, ये सिस्टम बहुत ज़बरदस्त सिस्टम उन्होंने किया है, जो बच्चों को एट द स्पॉट भी वो उनसे गाइडलाइन लेते हैं, प्लस अगर जब उनको बाद में भी हेल्प ज़रूरत होते हैं तो उससे भी हेल्प लेते हैं। तो ये अच्छा है उनका कि ईच एंड एवरी थिंग उनको प्रोवाइडेड है, वो किसी टाइम भी कुछ भी ले सकते हैं। ओके, और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हैं, ऑल्दो ये फिज़िकल क्लासेस का के बराबर हैं या नहीं? नहीं, माशाल्लाह इन्होंने एस्क्रिया ने ऐसे सिस्टम बनाया है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि फ़िज़िकल क्लासेस हैं, क्योंकि बच्चे उसी रूटीन से सुबह उठ रहे हैं, ऐसे ही उनकी रेगुलर पीरियड्स और क्लास टाइम टेबल प्रॉपर उनका है, तो वो तो बहुत एक्टिव हो गए हैं, इन टच हो गए हैं हर चीज़ के साथ है। जी, स्टडी के साथ हर इन टच हैं, हर चीज़ उनको अवेलेबल है, टीचर्स उनको प्रॉपर रिलैक्स सकते हैं, और साथ साथ उनकी स्टडी को कंटिन्यू रखा हुआ है और जो प्रॉब्लम है सॉल्व करते हैं उनके साथ। तो जब से आपने एस्करिया ज्वाइन किया है आपकी बेटी ने, तो आपको कोई उसमें पॉजिटिव चेंज उसकी पर्सनैलिटी में नज़र आता है? जी, क्योंकि ये एस्क्रिया जो है वो एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी साथ लेके चल रहा है, तो इससे माशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें उसकी पर्सनालिटी में बहुत बूस्ट आया है। अच्छा, तो वो कॉम्पिटिशन जो हमारे होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करती है माहम? जी, माशाल्लाह वो इतना कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है इनका कि तमाम बच्चे जो है ना वो कम्पिटिशन के लिहाज से, तो उसने नात में भी और इसके अलावा डिबेट्स वगैरह हैं, सारे बहुत सी स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह हैं उसमें भी, तो वो हेल्दी, हाँ जी, वो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं और बच्चों के लिए ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं? जी ज़रूर होनी चाहिए, बच्चों को बूस्ट करने के लिए, बच्चों को प्रमोट करने के लिए, इनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए चीज़ें लाजमी होती हैं स्टडीज़ के साथ। तो आपको क्या लगता है कि इसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बाकी इदारों से कैसे डिफरेंट है, कैसे मुख्तलिफ है? ये बच्चों के ना यही जो चीज़ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिसकी वजह से ना तो इनकी एजुकेशन डिस्टर्ब होती है, और इसके साथ साथ उनकी जो है ना फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, उसमें कॉन्फिडेंस वगैरह भी डेवलप करते हैं और मैनर्स वगैरह भी जो है उनको प्रॉपर वे में देते हैं। ठीक है, और अब आप अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में रिकमेंड करेंगी एस्करिया एजुकेशन सिस्टम किसी को? जी, मैं ऑलरेडी ये कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना उसको देख के, उसके मैनर्स को देख के, तो सब मुझसे पूछते हैं कि कौन से स्कूल में है, कौन से इंस्टीट्यूट में है, तो मैं यही ये कहती हूँ कि ये एस्करियन है, और माशाल्लाह इतना अच्छा उनका इन्वायरमेंट है कि मेरी बेटी जो है ना इस काबिल हुई है कि सब इसके बारे में ये पूछते हैं कि कहाँ से वो कहाँ पढ़ती है वो। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके टाइम का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।